सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में BGMS का कंप्लीट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। रिवील हो चुका है, कुछ यहाँ पे चेंजेस है, कुछ न्यू चीजें ऐड किए हैं, फिर टूर्नामेंट डिटेल्स आज होने वाला है, कुछ ट्वीट्स है, कुछ अनाउंसमेंट्स है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, कल कुछ बंदे ने मुझे यहाँ पे डोनेट किया था, तो भाई थैंक यू सो मच। जैसे यहाँ पे प्रवीण भाई है, सुमेध है, सचिन है और कुछ और बंदों ने सपोर्ट किया भाई, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले APL से। सो कल APL का ग्रैंड फाइनल्स का Day 2 खत्म हो चुका था और स्टैंडिंग्स देखोगे तो IQ सोल अभी भी टॉप पे है। सेकंड पे टीम हेक्टर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन IQ सोल बहुत ज़्यादा गैप बना लिए है 40 पॉइंट्स का। उसके बाद वेनम गेमिंग टॉप 3 में आ चुके हैं, NTT है, इनसेन, कार्निवल, टीम लिमरा थोड़ा नीचे आया, फिर 8bit है। उसके बाद सेकंड चार देखोगे तो विंड गॉड आ चुके हैं 9th पे, फिर गॉड लाइक, रेकनिंग, हैदराबाद हाइड्रास, SBA Esports, K9 Esports, Orangutan, NWSP। तो अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, आज और कल। तो क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? वेल चांसेस तो ऑब्वियसली सोल का है, सेकंड थर्ड आप लोग गेस कर सकते हो। उसके बाद टॉप फ्रैगर्स में तो ड्रैगन अभी भी टॉप पे है, टीम लिमरा से अच्छा खेल रहे हैं। सेकंड पे नकुल आ चुके हैं, थर्ड पे रॉनी आ चुके हैं, फोर्थ पे सौम्य। तो भाई सोल से तीनों प्लेयर आ चुके हैं, फोर्थ प्लेयर कहाँ है भाई, वो भी भेजो यहाँ पे। फिर उसके बाद विंड गॉड से गॉड अंडरडॉग एक प्लेयर है, तो बढ़िया है भाई यहाँ पे, ये तो चलेगा अभी 2 दिन। फिर शाम में स्क्रीम्स होता है, कल भी हुआ था, अब आज कोई और स्क्रीम्स हो सकता है। सो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट दे देता हूँ, तो आप लोग फॉलो रख लिया करो, वहाँ पे एक्टिव रहो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रात में एक TDM बैटल कल स्टार्ट हुआ था, देख सकते हो ये वाला कल अनाउंसमेंट आया था। सो सेमीफाइनल्स Day 1 हो चुका है, जिसमें ग्रुप ए सोल, कार्निवल, रिप, मिजो ये टीम्स है, और ग्रुप बी में गॉड लाइक, टीम जीरो और हेक्टर है। तो 2 दिन यहाँ पे चलेगा सेमीफाइनल्स, मतलब आज सेमीफाइनल्स खत्म हो जाएगा और कल से ग्रैंड फाइनल्स स्टार्ट होगा, जो कि 2 दिन चलेगा। और ये आप लोग रोड मैप भी देख सकते हो कैसे चलने वाला है। तो ये बस एक फन टूर्नामेंट है, TDM बैटल, तो एंजॉय कर सकते हो। वैसे इसका प्राइस पूल रिवील नहीं हुआ है, क्या भाई टूर्नामेंट की बात करना है क्या? क्या पता जो भी है यहाँ पे पता चल जाएगा प्राइस जल्दी ही, वेट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गॉड लाइक अनाउंसमेंट के बारे में। सो कल मैंने आपको बताया था ये स्टोरी आया था जिसमें हम लोग को बाइक देखने को मिला है, तो गॉड लाइक का कोलैब होने वाला है किसी बाइक के साथ, और वो कौन सा है, वो है हीरो एक्सट्रीम कोई बाइक है। वेल जो भी है यहाँ पे ये कंफर्म है गॉड लाइक का और हीरो का कोलैब होगा, देख सकते हो गॉड लाइक अपडेट्स ने भी शेयर किया था। क्या ही बोलूँ अब, हमारे सारे प्लेयर्स तो एक से बढ़कर एक हीरो है। यस, टैगलाइन यहाँ पे हीरो लिखी है तो क्लियर हो चुका है हीरो के साथ कोलैब होगा। जैसे यहाँ पे IQ सोल है, IQ00 सोल यहाँ पे नेम भी रखे है, वैसे ही हीरो गॉड लाइक नेम हो सकता है। तो अनाउंसमेंट का वेट करो, जल्दी आ जाएगा। एंड फिर उसी के साथ कल क्राफ्टन ने एक ट्वीट किया था, देख सकते हो कुछ कोड वर्ड था। अब कुछ बंदे भाई कितना तेज है यहाँ पे, इसको भी चेंज कर दिए क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था 18/7/2024, मतलब 18 जुलाई को कुछ आने वाला है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं BMPS का डेट है, मतलब BMPS का अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद न्यू अपडेट का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। इसी मंथ BGMI का अपडेट आने वाला है, आप लोगों को पता होगा। वेल क्या लगता है किसका अनाउंसमेंट है कमेंट में बताना, बट हाँ 18 तारीख को क्राफ्टन का कुछ अनाउंसमेंट आएगा। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं नियो के बारे में। सो कल नियो स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पे वो बात करते हैं टीम के रिगार्डिंग ई-स्पोर्ट्स कमबैक, तो देख सकते हो वो क्या बताए थे। वो आईजीएनिंग करना चाहते हैं, आई गॉट ऑफर फ्रॉम 2-3 टीम्स, दीज टीम्स आरंट प्रॉपर टीम, बट प्लेयर फ्रॉम T1 टीम्स मेड द टीम टुगेदर, बट दे ऑल हैव द IGL ऑलरेडी एंड आई वॉन्ट टू डू द IGLing। मतलब उनको IGLing करना है और कुछ जो T1 प्लेयर्स है, जो पुराने प्लेयर्स है, वो उनको यहाँ पे बोले कि चाहो तो खेल सकते हो। अब देखते हैं भाई वो किस टीम से खेलते हैं। वैसे अभी यहाँ पे वो कल खेल रहे थे वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर के साथ, बट अभी बस ग्राइंड चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो यहाँ पे इंप्रूव कर ले अपना गेम। कुछ और प्लेयर्स है जैसे स्नैक्स है, रेगल्टॉस है, सब लोग अभी बस ग्राइंड कर रहे हैं, स्क्रीन्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन तो भाई BMPS होगा ये सभी प्लेयर्स के लिए, BGMS में तो खेले ही नहीं है। एंड अब यहाँ पे मेन बात करते हैं, एक पहले तो ट्रोल है, देख सकते हो रेकनिंग ने कुछ ट्वीट किया था कल, गुड आफ्टरनून टू everyone हु earned देयर BGMS स्लॉट, जीरो टू हीरो एंड beyond, बींग अ revenant टू देयर गॉड लाइक स्टेटस, वेल डन ऑन securing योर BGMS स्लॉट विद एन insane परफॉर्मेंस। तो कुछ टीम्स आपको दी जाएगा किसके बारे में यहाँ पे ये ट्रोल चल रहा है। एंड फिर इस चीज पे OG ने यहाँ पे रिप्लाई दिया था, जस्ट गॉट अ टैटू ऑफ देयर स्लॉट इन BGMS Season 1 and Season 2, टैटू गायब है, क्योंकि रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स Season 1 Season 2 में नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पर रेकनिंग ने रिप्लाई दिया, जस्ट गॉट अ टैटू ऑफ देयर पोजिशन इन BGIS, OG को रिप्लाई किया। यस, OG तो भाई बहुत पहले रिपीट एलिमिनेट हो गए थे। तो भाई ये बैंटर बहुत ही बढ़िया है, ट्विटर में चलता रहता है, इन्जॉय कर सकते हो। अभी मेन बात करते हैं BGMS के बारे में। तो फॉर्मेट रिवील हो चुका है, देख सकते हो
तो सबसे पहले ओपनिंग वीक स्टार्ट होगा 19 जुलाई से, जो कि 3 दिन चलेगा, 24 टीम्स जिसमें 20 इनवाइटेड है और 4 क्वालिफाइड टीम्स हैं, सो वो सब हम लोग को पता ही है। तो यहाँ पे मैचेस होगा और उसके बाद टॉप 18 टीम्स जो होगी वो ग्रुप स्टेज के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। बॉटम के 6 टीम्स उनको यहाँ पे वोटिंग होगा और वहाँ से 2 टीम्स नेक्स्ट राउंड क्वालिफाई करेंगे, मतलब पहला राउंड से 20 टीम्स आगे बढ़ेगी और 4 टीम एलिमिनेट। उसके बाद 22 जुलाई से लीग वीक चलेगा 4 अगस्त तक, तो ये लगातार चलेगा, कोई गैप नहीं है। सो यहाँ पे 4 टीम डायरेक्ट फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और इसमें कुछ बाउंड्री सिस्टम भी ऐड होने वाला है, अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो जैसे रिवील होगा बता दूंगा, अभी तो बस यहाँ पे फॉर्मेट आया है। तो 4 टीम डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स और जो बॉटम की 16 टीम्स रहेगी रैंक 5 से 20, सो वो लोग जाएंगे प्लेऑफ्स में। फिर प्लेऑफ्स होगा 6 और 7 अगस्त 2 दिन का, जहां पे 16 टीम्स का मैचेस होगा और टॉप 12 टीम्स फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इनडायरेक्टली बोलोगे तो 7 अगस्त तक आपको सारी टीम दी जाएगी जिसको आप लोग देखना चाहते हो, सो मजा आने वाला है। एंड फिर फाइनल्स होगा 9 से 11 अगस्त, जिसमें 16 टीम्स जो आपको पता ही है, एंड यहाँ पे एक जीतेगा BGMS सीजन 3। तो बढ़िया है यहाँ पे फॉर्मेट, बस जो यहाँ पे वोटिंग का सिस्टम है वो बस पहला राउंड में यहाँ पे होने वाला है, उसके बाद कोई वोटिंग का सिस्टम नहीं है, तो ठीक ही भाई, यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। अब इसमें एक और चीज़ है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जो मैंने आपको बताया था, देख सकते हो, वी विल हैव एन इम्पैक्ट प्लेयर रूल इन BGMS वेयर IGL विल चूज रैंडमली 1 प्लेयर फ्रॉम देयर स्क्वाड, इच फिनिश बाय दैट प्लेयर विल बी कंसिडर्ड एज 2 पॉइंट्स। भाई ये क्या है, मतलब ये लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करे टूर्नामेंट को। तो इसमें होगा ये कि यहाँ पे हर एक टीम से एक प्लेयर को यहाँ पे चूज किया जाएगा जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा, और उस मैच में जितना फिनिश करेगा वो प्लेयर उसका डबल पॉइंट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टीम्स से नकुल यहाँ पे वो चूज करते हैं और उस मैच में नकुल 2 फिनिश निकालते हैं तो 4 पॉइंट मिलेगा। तो पिछला बार भी ऐसा कुछ यहाँ पे फॉर्मेट आया था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। तो भाई यहाँ पे चलो बढ़िया है, एंजॉय कर पाओगे। आप लोग बताना आप लोगों को ये सब रूल कैसा लगा, और जो मैंने बताया बाउंड्री सिस्टम वो भी शायद होने वाला है, जिसमें यहाँ पे शायद जो टॉप 4 टीम्स होगी उनको मारने पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिलेगा, अभी बस न्यूज़ आ रहा है विड क्रो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। और कुछ लोग पूछ रहे कि लैन कहाँ होगा, कहाँ देखिए, और प्लेयर्स किस में खेलेंगे, एंड्रॉयड या iOS, बताता हूँ। सबसे पहले लैन होने वाला है दिल्ली में, मैंने आपको बताया, वेन्यू अभी रिवील नहीं हुआ है, वेट करो मैं बता दूंगा जैसे रिवील हो जाएगा। लेकिन इसमें ऑडियंस अलाउ शायद नहीं है, क्योंकि न्यूज़ मिल रहा है कि यहाँ पे ऑडियंस नहीं होगी, भले फाइनल्स में कुछ यहाँ पे ऑडियंस अलाउ हो सकता है लिमिटेड, वो भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है, सो वेट करो यहाँ पे कंफर्मेशन का। एंड फिर ये आप लोग यूट्यूब पे देख पाओगे फ्री में, नॉर्डन गेमिंग का चैनल पे, 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तो बढ़िया है। और आप लोग चाहो तो स्टार स्पोर्ट्स टीवी में भी देख सकते हो, स्टार्ट होगा 7 PM पे, ख़त्म होगा 11 PM पे। सुनने में मिल रहा है कि 3 से 4 मैच मैक्स होगा, जैसे पिछला बार हुआ था शायद 4 मैच, इस बार 3 से 4 होगा पर डे। एंड इसमें यहाँ पे प्लेयर्स किस डिवाइस में खेलेंगे, तो जितना न्यूज़ मिल रहा है एंड्रॉयड में खेलने वाले हैं। और कल जोनाथन स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पे वो गलती से रिवील भी कर देते हैं, मतलब वो बताते हैं कि वो अभी ग्राइंड कर रहे हैं एंड्रॉयड डिवाइस में, क्योंकि वो BGMS के लिए ग्राइंड कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली बोल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी यहाँ पे IS कर देते हैं, मतलब हाँ क्लियरली कन्फर्म हो चुका है कि BGMS एंड्रॉयड में होगा। अब भले आगे कुछ चेंज होगा तो बात अलग है, अभी बस यही न्यूज़ है। एंड जो मैंने बताया यहाँ पे जो इनवाइटेड फैन फेवरेट वोटिंग होगा, तो उस पर मिजी ने एक ट्वीट किया था, मैं सोच रहा हूँ अगर टीम अब वोट मांगने के लिए आए ऑडियंस से, ताकि वो इवेंट में बने रहे और मैक्सिमम ऑडियंस बोले कि टीम में ये चेंजेस होंगे तो वोट करेंगे, क्या वो मानेंगे, बस तुम लोग को आइडिया दे रहा, टू मच फन। तो यस भाई, यहाँ पे इनडायरेक्टली आप लोग समझ रहे हो कि इसके बारे में बात चल रहा है, मतलब हाँ फन तो है, मजे, मतलब फन में ट्वीट किए हैं। अब ऐसे तो होगा नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो वोटिंग अब आए वो तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। एंड भाई देखते हैं क्या सीन रहेगा, कौन सी टीम बॉटम 6 में आती है, वो भी बड़ा बात है। और फिर उसके साथ यहाँ पे मिजी ने एक और ट्वीट किया था, जो यहाँ पे कंपटीशन चलने वाला है मेन राइवलरी, रेवेनेंट वर्सेस कार्पीडियम, टू मच फन, आमने सामने होगा लैन में, बेस्ट राइवलरी फॉर नाउ सोल वर्सेस कार्निवल। अब ये इनके अकॉर्डिंग है, रेवेनेंट आपको पता है फियर्स और सेंसी अलग हो चुके हैं, तो वो दोनों का टीम में भाई यहाँ पे राइवलरी देखने को मिलेगा, और सोल वर्सेस कार्निवल, क्योंकि एस पावर अभी कार्निवल में ज्वाइन किए, बट सबसे पहले भाई मुझे यहाँ तक पता है मेन राइवलरी तो सबको देखना है सोल वर्सेस गॉड लाइक का, तो भाई मजा आने वाला है। होप करते हैं कि इस बार यहाँ पे परफॉर्मेंस हम लोग को दोनों टीम से देखने को मिले, पर गॉड लाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा है, बट कुछ यहाँ पे पंक एडिशन के बाद इंप्रूवमेंट तो हुआ है, होप करते हैं और इंप्रूवमेंट हो और लैन पे मजा आए, पर जो भी होगा पता चल जाएगा लैन पे। एंड ये हो गया भाई पूरा डिटेल। और मिसी ने एक और ट्वीट किया था फन में, ऐसा ना हो जाए कि हेक्टर को गॉड लाइक से IGL के लिए ऑफर आ जाए, पहले सपोर्ट फिर फ्रैगर अब IGL,
अब ये इनका ट्वीट है, मतलब खुद का यहाँ पे आइडिया शेयर किए हैं, बट देखो ऐसे तो चांसेस कम है क्योंकि हेक्टर तो भाई यहाँ पे ओमेगा लाइनअप लीव कर नहीं रहे हैं, भले वो नहीं खेल पा रहे तब भी उनका स्टिक है। और गॉडलाइक में भी अभी प्लेइंग 4 और 5 प्लेयर्स तो फिक्स ही है। हाँ भले फ्यूचर में कुछ चेंजेस होगा तो बात अलग है। एंड चलो भाई आज के इस वीडियो में इतना जो मुझे बताता है ये सभी न्यूज़ डिटेल्स के बारे में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।